तो so dear स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट यू सी here, as a customer, वी शुड गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वी शुड नॉट फील लॉस फॉर दैट तो जैसे हम कस्टमर हैं हम बहुत सारे सामान बाजार में ख़रीदते हैं तो हमें अच्छे सामान खरीदने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है कंज्यूमर्स को हिफाजत करती है तो देखभाल करती है एक्चुअली सो यहाँ पर वो लोग ने क्या किया थोड़े सिम्बल्स को मतलब एक्चुअली uh, एस्टाब्लिश किया है थोड़े सिंबल्स ए वेलफेयर ऑफ़ द कंज्यूमर्स हमारे भलाई के लिए कंज्यूमर्स के भलाई के लिए गवर्नमेंट जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो लोग चीटिंग ना करें और कंज्यूमर्स ना ठगे तो एक्चुअली क्या वो लोग ने एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का एक सिस्टम में ऐसा है यहाँ बहुत सारे सिम्बल्स को वो लोग ने सेंक्शन किया है जारी किया है ताकि वो सिंबल देख हम सामान खरीद सके उसमें हम देखते हैं माग सिंबल यूज़ फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी खेती के प्रोडक्ट होते हैं तो इस तरह के ये सिंबल देख हमें ख़रीदना चाहिए अगर हम घर के हाउस होल्ड जितने भी वस्तु होते हैं घर घर में इस्तेमाल करने के सामान होते हैं उसमें आया से माक चेक करके हमें लेना है अगर वो मार्क होते हैं हमें खरीदना है क्योंकि तो बाजार में इंफीरियर क्वालिटी होती है बहुत सारी इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं सामान बेचा जाता है और पैसे ज़्यादा लेते हैं क्वालिटी कम देती है तो हमें ऐसे सामान को अवॉइड करना चाहिए मैक्सिमम तो हमें जितने भी घर के इस्तेमाल के सामान आईएसए सिंबल के खरीदना चाहिए नेक्स्ट ऊल होते हैं जितने भी हम उलन कप क्लोथ से उलन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम खरीदना चाहते हैं तो ऐसा यहाँ पे सिंबल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह का हमें खरीदना चाहिए नेक्स्ट यहाँ दिया देखिए बी एस ए हॉलमार्क जो कि बी एस ए हॉलमार्ग इज फॉर ओके सिल्वर गोल्ड ऑन में जितने भी हम गहने खरीदते सोने या चांदी के जितने भी हम ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स ख़रीदते तो हमें ये बी आई एस हॉल मार्क जो गवर्नमेंट का सैंक्शन किया हुआ है ऐसे जो हमें ख़रीदना चाहिए ताकि हम पीस ऑफ माइंड हो सकते हैं हमें अच्छा सा सेटिस्फेक्शन होता है इसमें हम ठगेंगे नहीं तो uh, आप बेहतर समझे होगे तो so, यहाँ पर वेरियस सिम्बल्स देखा है नेक्स्ट यूजअली द थिंग्स मार्क्ड बाई दिस सिम्बल्स आर नॉट बैड ओके यूजुअली द थिंग्स मार्क्ड बाय दिस सिंबल्स आर नॉट बैड ये खराब नहीं होती जो भी है, ऐसे सिंबल्स के हमने खरीदेंगे वो अच्छी क्वालिटी होती है तो देर इज ग्रीन कलर मार्क फॉर वेजिटेरियन ईडबल्स जितने भी हम वेजिटेरियन जो खाने के जो ईडबल्स होते हैं वो होते हैं एक्चुअली उसके लगभग ग्रीन कलर का सिंबल होता है देर इज रेड कलर मार्क फॉर नॉन वेजिटेरियन ऑडेबल जो खाने के लायक नहीं होते उस पर रेड सिंबल होता है मतलब वो खाने के लायक नहीं होते तो इस तरह के एक इंफॉर्मेशन होता है एक्टिविटी देखिए वाट शुड बी कीप इन माइंड वाइट परचेजिंग थिंग गुड्स हम दिमाग में हमारे क्या होना चाहिए जब, जब हम सामान खरीदते हैं फिर इन द इंफॉर्मेशन एंड रॉट इन फॉलोइंग टेबल ऑब्जर्विंग दर्सन अराउंड यू तो यहाँ पर हम देखते सीरियल नंबर नेम प्रिंटेड प्राइस क्या है वहाँ पर जो दाम होता है बेचने का खरीदने का वो दाम नेम ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट का क्या नाम है और नेट वेट उसका वज़न कितना है uh, डेट एंड मंथ ऑफ पैकेजिंग कभी इसको पैकेज किया गया कब बनाया गया एक्सपायरी डेट कब ये ख़त्म होता है इसका डेट सिंबल ऑफ एश्योरिटी जैसे मैंने बताया हमें विश्वास की सिंबल होते हैं जैसे ऊपर हमने देखा है वो है नहीं है वेर इट इज़ वेर इट इज़ यू इसको कहाँ यूज़ किया जाता है इस तरह का आपको एक्चुअली छोटी एक्टिविटी आपको करना है नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हम देखेंगे थिंक करते हैं वाट डू हैव थिंक वाई डू यू हैव टू थिंक वायल बाइंग अबाउ मैंशन थिंग्स डिस्कस ऐसे सारी चीज़ें डिस्कस करना है हाउ आर द कस्टमर नॉट से शॉपकीपर दुकानदार से कस्टमर मुतमिन नहीं होते क्यों तो ये है तो यहाँ पर हम छोटा आपको दिया है एक बिबैर कस्टमर बिबैर कहा के बिबैर होशियार रहो ओके ग्राहक होशियार ओके वाट डज द वर्ड बीबैर मीन बीबैर का मतलब क्या होता है कस्टमर बी अवैर ऑफ कस्टमर किससे हमें चौकन्ना होना चाहिए मतलब चौकन्ना डिस्कस व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए कस्टमर आपकी क्या जिम्मेदारी होती है आप एक ग्राहक हो आप एक कस्टमर हो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है ये सारी चीज़ें राइट्स ऑफ कस्टमर कस्टमर के क्या हक हाँ होते हैं ठीक है राइट्स आर हैिविंग टू द कस्टमर रिगार्डिंग द फुल रिटर्न फॉर द मनी ही हैज़ पेड ओके हमारे ये राइट right, है हमारे ये हक है कि गिविन टू द कस्टमर हमें दिया गया रिगार्डिंग द फुल रिटर्न ओके फॉर द मनी हैज पेड जो हम पैसा अदा करते हैं तो उसका हमें पूरा हमें इसकी पूरा हमें मिलना चाहिए पूरा रिटर्न मिलना चाहिए जो हम सामान खरीदना चाहते जो जो दाम हम देते उसका भरपूर हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए तो राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेज प्रोडक्ट ओके okay, हमारा एक हक होता है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन हमें एक इसका नॉलेज रखना गुड्स के बारे में टू चूज़ एंड कंप्लेन भी हम कर सकते हैं इसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं इफ़ नॉट सेटिसफाइड अगर हम उससे पर मुतमिन नहीं है अगर उससे हम सेटिसफाई नहीं है हम उससे खुश नहीं है सामान से हमें ठग लिया गया सो विद द परचेज प्रोडक्ट सो राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ गुड्स परचेज जो भी हम सामान खरीदते हैं उसकी हमें बिल लेना जरूरी है क्योंकि हम शिकायत करने जाएंगे तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कुछ ना कुछ कि हम वहाँ से ख़रीदे हैं है ना तो हमें कभी भी कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसका बिल लेना जरूरी

टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को ये जाता है द गवर्नमेंट यूजेज दिस मनी फॉर आवर वेलफेयर तो गवर्नमेंट क्या करती है जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारे भलाई में हमारे वेलफेयर में उसका इस्तेमाल करती है ओके द कस्टमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन अबाउट डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द गुड्स परचेज तो कस्टमर को हमारा हक होता है अगर हमने कुछ हमें ठगा गया हमें सामान सही दिया नहीं आ गया तो उसकी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं इन अक्टूबर दो में टू में इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास रे लॉ नोन एज आर तो एक एक क़ानून को पास किया गया पार्लियामेंट में इसको कहा जाता है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक क़ानून पार्लियामेंट में पास किया गया है ये पब्लिक के भलाई के लिए इट गिव्स द राइट टू नो अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट ऑफिस ये क्या है इट गिव्स द राइट ये हमें हक़ देता है टू नो हमें जानने का अबाउट द प्रोसीजर्स और वर्क गोइंग हम उसका काम काज का तरीका और काम कहाँ तक चल रहा है कहा तक आगे बढ़ा है ये कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में सरकारी ऑफिस में एक कानून पास किया गया इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन आर टी आई कानून पास किया गया कब पास किया गया यहाँ पे दे? इन अक्टूबर दो में ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रीड द पिक्चर स्टोरी एंड थिंग ये पिक्चर को हम पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया तो यहाँ पे देखते हैं महेश भाई बाय से टी वी टेलीविजन प्रेमेशॉप महेश भाई एक नाम के आदमी ने टी वी खरीदा दुकान से ही टेक्स बिल एंड वारंटी ओके गारंटी कार्ड ऑल्सो उन्होंने क्या कि अब फिर उसके बदले में उन्हें मिला है वो बिल भी लिया है एंड वारंटी और गारंटी कार्ड होता है ओके यहाँ पे वारंटी uh, मतलब ये होता है कि अगर सामान खराब हो गया आपको ठीक करके दिया जाता है गारंटी में अगर सामान खराब हो गया कुछ भी आपको नया सामान या पैसे वापस किया जाता है ऐसा तो ये इन्होंने दो कंडीशन भी ले लिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेकंड में महेश भाई फाउंड द टी वी डिजरप्टेड आफ्टर सम टाइम तो देखिए कि टीवी सही से काम नहीं करी थोड़े समय के बाद तो थर्ड पिक्चर में देखो महेश भाई इंक्वायर्स सेबोरेटेट एट द टी शॉप जाके टी शॉप में उसको इंक्वायर किए भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है तो फोर्थ पिक्चर में देख सकते हैं महेश भाई डिड नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर दुकानदार से उन्हें अच्छा सा सेटिस्फैक्ट्री uh, आंसर उन्हें नहीं मिला भाई ये उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया लापरवाही करने लगे महज भाई गोस्ट टू टेक एडवाइस इन कस्ट कंज्यूमर प्रोडक्शन ऑफिस ऑफ दिस ऑफिस डिस्ट्रिक्ट उनके जो डिस्ट्रिक्ट उनके ज़िला में एक ऑफिस होती है उसका नाम होता है कस्टमर प्रोटेक्शन ऑफिस कस्टमर की हिफाजत करने का वो, वो उनकी एक कामकाज होता है तो महेश भाई गोस्ट कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल ए केस इन्होंने क्या कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पे जितने भी हमारे इसको ठगे जाते हैं हमें नुकसान होते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास बिल होती है सारी चीज़ होती है वहाँ पर हम जमा करके उनसे गवर्नमेंट से हम आ, उसका हम क्लेम कर सकते हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट का जो दुकानदार हमें करते office, केस एंड टेक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिए उन्होंने केस दर्ज करा दिया महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यूज केस इन द कोर्ट वो कोर्ट में खुद अपना केस को उन्होंने आर्ग्यू किया ओके नेक्स्ट द जज चेक द डॉक्यूमेंट डग ने सारा डॉक्यूमेंट को चेक किया जज अनाउंस द जजमेंट में फैसला दिया क्या दिया महेश भाई हैड पेड फुल्ली फॉर टी बट इट इज़ बैड क्वालिटी लेकिन टी वी के सारे पैसे दे दिए लेकिन टी वी की क्वालिटी सही नहीं है द शॉपकीपर शुड नॉट बी इग्नोरेंट तो यह कहा कि दुकानदार को इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए ओके इन रिटर्न इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दैट इन प्लेस ऑफ़ द ओल्ड टी वी न्यू टी वी शुड बी गिवन इन महेश भाई ये कहा गया कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि इनको इसकी टीवी के बदले में नई टीवी फिर से दोबारा इश्यू करना चाहिए देना चाहिए इस तरह का जजमेंट होता है तो जब हमारे पास बिल होती है हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं एविडेंस सबूत होते हैं तभी तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ों में हमें एज ए कंज्यूमर ध्यान होना चाहिए नेक्स्ट डी स्टूडेंट लेटस्ट थिंग विच वी द अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सटन प्रोडक्ट्स विच वी विच विच वी परचेज फ्रॉम द मार्केट और देर रियली बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर तो ये सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है सो ओके आई विल जस्ट सेंड टू यू दिस कॉपी डी स्टूडेंट सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर रीड वेल थैंक यू